रुको रुको दोस्तों, सांप और नेबले के बीच में आगे खतरनाक वाला लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? तुम सबको तो पता ही है, नेबला सांप को काट कर खा जाएगा। लेकिन नेबला सांप का राजा किंग कोबरा को मार सकता है? आइए जानते हैं। नेबला एक ऐसी भयानक प्राणी जो टाइगर के ऊपर भी हमला कर देता है, और किंग कोबरा भी कम नहीं है, अपने शिकारियों के ऊपर एक फुट दूर से जहर फेंक सकता है। इस वजह से किंग कोबरा के आसपास कोई प्राणी नहीं भटकता है। दोस्तों, नेबले के शरीर में सांप का जहर ज्यादा देर असर नहीं करता है, लेकिन दोस्तों किंग कोबरा कोई भी प्राणी को आसानी से मार सकता है। चलिए बात करते हैं इन दोनों के बीच की लड़ाई। किंग कोबरा ने नेबले को काट लिया तो ये कुछ देर के लिए कमजोर हो सकता है। इस दौरान किंग कोबरा नेबले को मार सकता है, नहीं तो किंग कोबरा का नेबले को मारना नामुमकिन है।